शुरू करें। इस बैच में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े, जिसमें रिमूव टू हो गया ना बड़े? तो अब उसी में बताया ना कि एड टू, एड एडवर्ब, सिंपल और अफर्मेटिव, यानी जो अभी तक हमने पढ़ा ट्रांसफॉर्मेशन में उसी का उलट ना बड़े? उल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण ना बेटा। अब इसमें हेड डालो बेटा एड टू, एड एडवर्ब, सिंपल सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है? एड टू, एड एडवर्ब, सिंपल और अफर्मेटिव ना बेटा। एक वाक्य दिया रहेगा, इन चारों में से कोई एक पॉइंट लगा हो, ठीक है? हमारी बात सुनो ना, एड टू लिखा होगा, एड एडवर्ब लिखा होगा, सिंपल सेंटेंस लिखा होगा या अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा होगा, हमारी बात सुनो। तो कैसे बनाओगे ये संदर्भ? चार स्टाइल हैं। स्टाइल नंबर एक, जैसे क्या होगा, सी इज सो फैट दैट सी कैन नॉट वॉक फास्ट, ये वाक्य होगा। She is so fat that she cannot walk fast. यहां लिखा रहेगा एड टू, क्या लिखा रहेगा एड टू, यहां लिखा रहेगा एड एडवर्ब, यहां लिखा रहेगा इससे सिंपल बनाइए, अभी यह ऊपर जो लिखा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सिंपल बनाइए या इसे अफर्मेटिव बनाइए, ठीक है? देखो नेगेटिव है ना, अफर्मेटिव किसे ना समझो। जब सबसे पहला काम इस सो को बढ़ के टू में चेंज कर देना, एडवर्ब में टी डबलो, सो को किसने डा बढ़ के टू में, फिर चश्मा लगाना, देखना दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक है क्या, एक है ना, यहां से है यहां से है, अगर दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं तो यहां दैट से कलम पकड़ना नाट तक भैरव घाट लगाना चौकस छोटका टू, सेंटेंस पढ़ना बन गया। से इज टू फैट टू वॉक फर्स्ट, कोई कठिन है क्या? एक बार फिर समझो, सो को बढ़ के टूम बदल देना, इसके बाद चश्मा लगाना, देखना दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं क्या, अगर एक हैं तो दैट से कलम पकड़ना नाट तक भैरव घाट लगा देना छोटका टू, इन्फिनिटिव बना देना। देखो सिंपल सेंटेंस पढ़ाया था ना, अरे टू वाला यार, नहीं वन टू वन टेड टू वाला, तो बन गया बेटा सी इज टू फैट टू वॉक फास्ट, कोई कठिन है क्या बेटा? देखो बेटा ऐसे लिखा, रवि इज सो ऑनेस्ट दैट ही विल नॉट टेक ब्राइब, देखा बेटा ब्राइब माने घूस। रवि इतना ईमानदार है कि वह घूस नहीं लेगा, तो यही परिणाम है, यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, ऐसे भी वाक्य आगे बढ़ा नहीं। तो कैसे बना होगा? सबसे पहला काम इस सो को बढ़ के टू में, फिर चश्मा लगाना, देखना दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं क्या, हैं? तो दैट से कलम पकड़ना नाट तक भैरव घाट लगा देना छुटका टू, सेंटेंस पढ़ना बन गया।
रवि इज टू ऑनेस्ट टू टेक ब्राइब। कोई कठिन है क्या? बन गया बेटा, एड टू हो गया, देखो एड टू हो गया, एड एडवर्ब हो गया, देखो हो गया। फिर देखो वाक्य अफर्मेटिव बना कि नहीं, अरे नेगेटिव था, अफर्मेटिव हो गया। अब देखो वाक्य सिंपल सेंटेंस है कि नहीं, एक मेन वर्ब हो गई इसलिए वाक्य क्या हो गया, सिंपल हो गया। नहीं समझ पक्का? यानी कि चारों काम हो गए बेटा। जैसे कहा बेटा, द वर्क इज सो हार्ड दैट इट कैन नॉट बी डन। यह वाक्य हो गया, द वर्क इज सो हार्ड दैट इट कैन नॉट बी डन। कार्य इतना कठिन है इसे किया नहीं जा सकता। बना दो सब्स एड टू, एड एडवर्ब सिंपल और अफर्मेटिव। सबसे पहला काम इस शो को किसमें डाल, बढ़ के टू में। अब देखो दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक है कि नहीं है, अरे वर्क के लिए टा ना, तो दैट से कलम पकड़ना, नाट तक भैरव घाट लगा देना, छुटका टू। सेंटेंस पढ़ो, बन गया बेटा, द वर्क इज टू हार्ड टू बी डन। सिंपल बन गया, अफर्मेटिव बन गया, एड टू हो गया, एड एडवर्ब हो गया। ऐसे समझो बेटा, यानी कि आपकी बोर्ड परीक्षा में यह कितने ढंग से पूछा जा सकता है। केवल रिमूव टू, एड टू ना पढ़ना, एक एक चीज हम बता रहे हैं कि आप पूछने का तरीका। अब सब यही कंपटीशन जाओगे, वहां तुम रटे हो एड टू और वहां उसने पूछ लिया अफर्मेटिव बनाइए, तो आप कहोगे गुरु जी तो अफर्मेटिव पढ़ाया नहीं गया, तो पढ़ाया जा रहा है बेटा, समझो ना। वहां ने क्या है, सिंपल सेंटेंस बनाइए, तो आप कहोगे गुरु जी इसको सिंपल बताना बताया नहीं गया। तो ये चीजें ना बेटा, ये चीज सीखनी है, मिटा दें। जैसे कहा बेटा, अब थोड़ा सा कलाकारी करेंगे। से कहा बेटा, द हिल वाज सो हाई, द हिल वाज सो हाई दैट इट वाज अनक्लाइम्ड। कलाकारी कर दिया, पैसिव वाइज कर दिया, द हिल वाज सो हाई दैट इट वाज अनक्लाइम्ड। पहाड़ी इतनी ऊंची थी कि इस पर चढ़ा नहीं जा सकता था। नोट अनक्लाइम्ड है, नोट। तो शुरू करें, कितने देखो बेटा, सबसे पहला काम इस शो को बढ़ के तुम करने है। आप चश्मा लगाओ, देखो दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक है क्या है। अब गाड़ी फंस गई, यह वाक्य है पैसिव वॉइस। किसने है पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस अगर पाठक से एक बार पीछे पढ़ा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको पैसिव वॉइस अभी फिर इसमें भी पढ़ाएंगे, परेशान हो, लेकिन जो लड़के पढ़ चुके हैं उनको याद कराते हैं। यह वाक्य पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस वाक्यों में मुख्य वर्ब का काम कौन करती है, तो बी। याद आया? अरे यहां लिख बताया था, पैसिव वॉइस वाक्यों में मेन वर्ब का काम कौन करती है, बी। इस वाक्य में मेन वर्ब क्या है, बी। बी यहां कहां है, वाज। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, पीछे पढ़ा चुके, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बी ना। उसी के ठीक पहले हमने लगा दिया टू, टू बी। लेकिन आपको याद होगा नॉट भी काटते थे, तो गुरु जी इसमें नॉट तो है ही नहीं, तो ये जो अन लगा है, अन काट दोगे नॉट अपने आप कट जाएगा। एक तो कटेगा, दोनों कर्ता आपस में एक है, एक कट गया। मेन वर्ब क्या है, वाज। वाज की फर्स्ट फॉर्म क्या हुई, बी। बी के पहले क्या लगा दिया, टू। और नॉट भी तो कटता था, इट
आगे कैन नॉट कुड नॉट करते थे ना, तो नॉट इसमें है ही नहीं है, तो ये अन हटा दो, नॉट गायब हो गया ना, सेंटेंस पड़ोटा बन गया। द हिल वॉज टू हाई, दैट से कटेगा दैट इट, इज द हिल वॉज टू हाई टू बी क्लाइंब, इट वॉज कट गया ना। एक बार फिर मिटा दें, जैसे कहा उड़ा द क्राउड वॉज सो लार्ज, द क्राउड वॉज सो लार्ज दैट इट वॉज अनकंट्रोल्ड, ऐसा भी आप कह बेटा, इट वॉज अनकंट्रोल्ड, ठीक है। द हिल वॉज सो सॉरी द क्राउड वॉज सो लार्ज दैट इट वॉज अनकंट्रोल्ड, जितनी बात बताई है ध्यान समझो, सबसे पहला काम इस शो को बढ़ के टू में। अब देखो दोनों वाक्यों के कर्ता एक है ना, तो दैट्स लेकर के भी कर्ता तक काटना, काट दिया। अब यह वाक्य पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस वाक्यों में मेन वर्ब का काम कौन करती है, बी, तो इसमें बी कहां यही वाज है, तो मेन वर्ब के पहले टू लगाते हो ना, अभी कैन नॉट कुड नॉट काट करके छोटा टू लगाते थे ना, तो टू कैसे लगाओगे वही सिखाना है। इन पैसिव वॉइस वाक्य है, पैसिव वॉइस वाक्यों में मेन वर्ब का काम कौन करती है, बी, तो बी यहां कहां है यही वाज है, अरे टर्म्स पीछे पढ़ा चुके यार, तो वाज की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बी, इसके ठीक पहले का लगा दिया टू, और नॉट भी तो कटता था, अरे यार कैन नॉट को नॉट कट, तो नॉट इसमें है ही नहीं है, तो यह अन हटा दो तो नॉट गायब हो गया, सेंटेंस पढ़ो बन गया उधर, अब वाज भी तो कट जाएगा, पढ़ो उधर, द क्राउड वॉज टू लार्ज टू बी कंट्रोल्ड, द क्राउड वॉज टू लार्ज टू बी कंट्रोल्ड, इसी ढंग का एक वाक्य उधर, सिखावड़ है, द बाइक इज सो कॉस्टली दैट, द बाइक इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नहीं इट इट इज अनपरचेज्ड, वो इससे वाक बराबर है, द बाइक इज सो कॉस्टली दैट इट इज अनपरचेज्ड, सबसे पहला काम इस शो को किसमें बढ़ के टू में। अब देखना दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में हैं, तो दैट से लेकर के कर्ता तक काट देना, अभी और आगे ना काटना, क्योंकि यह वाक्य पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस वाक्यों में मेन वर्ब का काम कौन करती है, बी, इस वाक्य में बी कहाँ है, इज, इज की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बी, उसके पहले लगाओ क्या टू, टू भी हो गया, यहाँ यही टू लगा, बड़का टू छोटका टू लगाते थे ना, तो बड़का टू छोटका टू लगा दिया, अब नॉट भी कटता है, नॉट इसमें है नहीं, तो अन हटा दो, अन काट दो, क्या बन गया, द बाइक इज टू कॉस्टली, और इज तक कटेगा ना यहाँ पर, इसके यही तो कट, इसी पहले भी लगाया, द बाइक इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड, पक्का, इसी ढंग का एक वाक्य कर लो, इसे कहा उड़ा, द वे, वे माने रास्ता, द वे वॉज सो लॉन्ग, द वे वॉज सो लॉन्ग दैट इट वॉज अनकवर्ड, द वे वॉज सो लॉन्ग दैट इट वॉज अनकवर्ड इन टाइम, आगे और बढ़ा दें, इन टाइम, इन टाइम, देखा, देखो बोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है कि नहीं, इधर सुनो, बोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा ना, तो द वे वॉज सो लॉन्ग दैट इट वॉज अनकवर्ड इन टाइम, ये वाक्य आपके सामने आया। अब कहा गया एड टू, एड एडवर्ब, सिंपल या अफर्मेटिव, नो परेशानी था, बहुत सरल है, कोई चीज रटो नहीं, समझो,
नहीं तो सीधे कहो करता से लेकर के नाटक भैरव घाट, तो सीधे बताया। लेकिन ऐसा भी आप क्या सकता है, यहाँ थोड़ा समझना पड़ेगा। सबसे पहला काम सो को बढ़ के टू में, अब चश्मा लगाओ देखो दोनों वाक्यों करता एक है, एक है ना, तो दैट से करता तक भैरव घाट पहुंचा देना, पहुंचा दिया। अब देखो यह वाक पैसिव वॉइस में है, बार बार कर रहे हैं, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का काम कौन करती है, मुख्य वर्ब का काम कौन करती है, बी। तो इस वाक में भी कहां है वाज, तो वाज की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाओगे, क्योंकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगता है ना, तो मेन वर्ब क्या हो गई वाज, वाज की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बी, इसके पहले क्या लगा दिया टू, अब वाज तक कट गया, कट गया। लेकिन नॉट भी काटते थे, तो नॉट इसमें है ही नहीं है, तो अन हटा दो, तो देखो अपने आप नॉट कट जाएगा और अर्थ होगा द वे वाज टू लॉन्ग टू बी कवर्ड इन टाइम। देखो रिमूव टू हो गया, रिमूव एडवर्ब हो गया, सिंपल हो गया, अफर्मेटिव हो गया, चारों काम हो गए, बात पक्की। जैसे कहा गया ऐसा वाक्य का, He was so poor that he did not buy the book. He did not buy the book. यह वाक्य, वह इतना गरीब था कि उसने किताब नहीं खरीदी। यही तो पढ़ा मैंने, तो बना दो इन्फेंटिव से। सबसे पहला काम सो को बढ़ के टू में, अब देखो दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं, हैं? तो दैट से क्रम पकड़ो, वाक पैसिव वॉइस पे नहीं है, दैट से क्रम पकड़ो, नाटक भैरव घाट लगा देना छोटका टू, सेंटेंस पढ़ो बन गया। He was too poor to buy the book, क्योंकि इसमें पैसिव वॉइस था ही नहीं, सीधे कट के बना दिया, पक्का हुए इसमें मेन वर्ब आई है, उसी पे टू लगा दिया, नहीं आया समझ में, आ गया मिटा दें। जैसे कहा गया सी वाज सो वीक दैट सी डिड नॉट पास द एग्जाम। क्या लिखा बेटा, वह इतनी कमजोर थी कि वह परीक्षा पास नहीं कर पाई, तो परिणाम यही है, उसी से प्रिंट बनेगा, बना दो बेटा। सर बनाओगे कैसे, देखो यार, सबसे पहला काम सो को बढ़ के टू में, अब चश्मा लगाओ देखो दोनों वाक्यों की कर्ता एक है, हैं? तो दैट से कलम पकड़ो, नाटक भैरव घाट, क्योंकि वाक पैसिव वॉइस नहीं है, लगाना छोटका टू, सेंटेंस पढ़ना बेटा बन जाएगा, क्या बना बेटा, सी वाज टू वीक टू पास द एग्जाम। कोई कठिन हो तो बता बेटा, केवल पैसिव वॉइस वाक्यों में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि पैसिव वॉइस वाक्यों में मेन वर्ब का काम कौन करती है, बी। तो यह स्टाइल नंबर एक समझ आ गई, पक्का, आगे चले। अब इसी का स्टाइल नंबर दो, स्टाइल नंबर दो, एड टू, अरे जो पढ़े थे उसी का उल्टा पढ़ा है, स्टाइल नंबर दो शुरू करें। जैसे कहा गया द न्यूज इज सो गुड दैट वी कैन नॉट बिलीव, समाचार इतना अच्छा है कि हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। द न्यूज इज सो गुड दैट वी कैन नॉट बिलीव, स्टाइल नंबर दो कैसे बनाओ देखो यार, यहां लिखा रहेगा एड टू, या लिखा रहेगा एड एडवर्ब, या लिखा रहेगा सिंपल बनाइए, या लिखा रहेगा अफर्मेटिव बनाइए,
कैसे बनाओगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ना, तो ए टू करना पड़ा। देखिए कह रहे सबसे पहला काम एसो को बढ़ के टू में, अब चश्मा लगाना, देखना दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं क्या, नहीं है, तो यहां जो कर्ता है ये कैन नॉट कुड नॉट वाला, इसे बना लेना ऑब्जेक्ट। बताइए आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, दे का ऑब्जेक्ट देम, मोहन मोहन, सोहन सोहन, सीता सीता, गीता गीता, ईता ईता, मीता मीता, चीता चीता, पुलिस पुलिस। जो भी करता है इसे कर्म बना लेना। तो वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा, बोलो, अस, उस ऑब्जेक्ट को दैट के पहले फार से जोड़ देना, दैट के पहले जोड़ना, जो फार अस, वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा अस, बेटा। अब दैट से कलम पकड़ना नाट तक भैरव घाट, लगाना चौकस छुटका टू, सेंटेंस पढ़ो बन गया बेटा। द न्यूज इज टू गुड फॉर अस टू बिलीव, नहीं है, द न्यूज इज टू गुड फॉर अस टू बिलीव। जैसे कहा बेटा द वर्क इज सो हार्ड दैट I cannot do it. I cannot do. बस इतने को। The work is so hard that I cannot do. कार्य इतना कठिन है कि मैं कर नहीं सकता हूँ। कैसे बनाऊँ बेटा? Eight to करना है। तो सबसे पहला काम इस सो को बढ़ के टू में। एक काम हो गया। अब चश्मा लगाओ, देखो दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं क्या, नहीं है, तो यहां जो ऑब्जेक्ट, यहां जो सब्जेक्ट है इसको बना लेना ऑब्जेक्ट। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है मी, दैट के पहले फार से जोड़ देना, किससे बेटा, फार से। अब आई चला गया दैट के पहले, लाइन क्लियर हो गई, दैट से कलम पकड़ो नाट तक भैरव घाट, लगाओ छटका टू, सेंटेंस बड़ा बन गया बेटा। The work is too hard for me to do. पक्का बना लोगे? जैसे कहा बेटा The car is so costly that the car is so costly that You cannot purchase. कार इतनी महंगी है कि तुम खरीद नहीं सकते हो। कैसे बनाओ बेटा? सबसे पहला काम इस शो को बढ़ के टू में, फिर चश्मा लगाओ, देखो दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक है क्या, नहीं है, तो ये अगर एक होते तो नाटक काट देते, ये नहीं है, तो ये जो करता है इसको बना लेना ऑब्जेक्ट। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, उस ऑब्जेक्ट को दैट के पहले किससे जोड़ दोगे, फार से जोड़ दिया। अब दैट से कलम पकड़ो नाट तक भैरव घाट, लगाना छुटका टू, सेंटेंस पढ़ो बन गया बेटा। द कार इज टू कॉस्टली फॉर यू टू परचेज, कठिन हो तो हमको बता दो, है ना सरल। देखो एड टू हो गया, एड एडवर्ब हो गया, वाक्य सिंपल बन गया, वाक्य अफर्मेटिव बन गया, नॉट गायब हो गया, बात पक्की। जैसे कहा बेटा द बॉक्स वाज सो हैवी दैट ही डिड नॉट lift it, he did not
left it. Yeh likha hua. The box was so heavy that he did not lift it. बक्सा इतना भारी था कि वह इसे उठा नहीं पाया. तो परिणाम है ना, तो इन्फिनिटिव बनेगा. और इन्फिनिटिव कैसे बनता है? टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अब कैसे बनाओगे देखो सर. सबसे पहला काम सो को बढ़ के टू में. अब चश्मा लगाओ. देखो दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं क्या? नहीं है. तो यहां जो कर्ता है ये वाला, इसे बना लेना ऑब्जेक्ट. तो ही का ऑब्जेक्ट अभी बताया था हिम. उस ऑब्जेक्ट को दैट के पहले फार से जोड़ देना. जोड़ दिया. अब दैट से कलम पकड़ो नाटक भैरव घाट. लगा देना छुटका टू. सेंटेंस पढ़ो बन गया. द बॉक्स वाज टू हैवी फॉर हिम टू लिफ्ट इट. इट लगाओ चाहे लगाओ क्योंकि वहां बॉक्स लिखा हुआ है. पक्का रिमोट टू सॉरी एड टू हो गया. एड एडवर्ब हो गया. सिंपल बन गया. अफर्मेटिव बन गया. बात पक्की. जैसे कहा बेटा द रूम इज सो हॉट दैट. द रूम वॉच कर लो. The room was so hot that she did not sit in. कमरा इतना गर्म था कि वह अंदर नहीं बैठ पाई. यही परिणाम है. इसी से इन्फिनिटिव बनेगा. तो कैसे बनाओगे देखो सर. सबसे पहला काम सो को बढ़ के टू में. फिर चश्मा लगाओ. देखो दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं क्या? है एक नहीं है. तो ये जो कर्ता है इसको बना लेना ऑब्जेक्ट. सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा? हर. उस ऑब्जेक्ट को दैट के पहले किससे जोड़ना है? फार से. अब सी चला गया दैट के पहले. तो दैट से कलम पकड़ो नाटक भैरव घाट. लगा देना छुटका टू. सेंटेंस पढ़ो बन गया बेटा. द रूम वाज टू हार्ट फॉर हर तो सेट इन. पक्का. जैसे कहा अरे यार वही जो पढ़े हो तीन दिन उसी का उल्टा बता रहे हैं. कहा परेशान. जैसे कहा द नाइट वाज सो स्टफी. The night was so stuffy that they did not sleep. है ना? The night was so stuffy that they did not sleep. कैसे बनाओगे? सबसे पहला काम इस सो को बढ़ के टू में. लगा दिया. अब चश्मा लगाओ. देखो दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं क्या? बोलो. नहीं है. तो ये वाला जो कर्ता है इसको बना लेना ऑब्जेक्ट. दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा? देम. उस ऑब्जेक्ट को दैट के पहले किससे जोड़ देना? फार से. अब दे चला गया दैट के पहले. अरे दे का भाव दैट के पहले आ गया ना. देम आ गया. तो दैट से कलम पकड़ो नाटक भैरव घाट. लगा देना छुटका टू. सेंटेंस पढ़ो बन गया. द नाइट वाज टू स्टफी फॉर देम टू स्लीप. नहीं है सब. आ गया ना. मिटा दें. जैसे कहा बेटा द लेसन वाज so tough that the students did not learn. विद्यार्थी याद नहीं कर पाए. दिखाई दे रहा ना. The lesson was so tough that the students did not learn. कैसे बनाओगे? सबसे पहला काम इस सो को बढ़ के टू में. अब देखो दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं क्या? नहीं है. तो यहां जो सब्जेक्ट है
इसको बना लेना ऑब्जेक्ट। द स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्ट क्या होगा? द स्टूडेंट्स होगा। दैट के पहले किससे जोड़ोगे? फॉर द स्टूडेंट्स, जोड़ दिया। अब दैट से कलम पकड़ो, नाट तक भैरव घाट लगा दो, छुटका टू सेंटेंस प्रॉब्लम गया बेटा। द लेसन वॉज टू टफ फॉर द स्टूडेंट्स टू लर्न। नहीं आया सुन? आए किसी ने? पाठक पढ़ाते हैं, गधा कहता है तुम तो मनई के बच्चा हो यार, तुमको तो आएगा ही। यह पाठक का विश्वास। गधा तक हो गए तो घोड़ा बना लेंगे, लेकिन अब गधा से नीचे हो गए भाई, तब अब क्या करें बताओ? तब तो भाई मजबूरी है। तब पापा से कह देना, पापा पैसा वैसा खर्च ना करो हमारी पढ़ाई पे, हमको कुछ अब काम धाम करने दो। लेकिन अगर गधा तक हो गए बेटा तो चैलेंज करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, यह हमें पूर्ण विश्वास। पक्का? जैसे कहा बेटा, द डे वाज ना सो स्टार्मी, द डे वाज सो स्टार्मी दैट ना वी डिड नॉट गो आउट, डिड नॉट गो आउट। यह वाक्य बेटा, द डे वॉज सो स्टार्मी दैट वी डिड नॉट गो आउट। दिन इतना तूफानी था कि हम बाहर नहीं निकले। परिणाम है तो सबसे पहला काम सो को बढ़ के टू में। अब देखना दोनों वाक्यों के कर्ता एक हैं नहीं है, तो वी को बनाओ ऑब्जेक्ट। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस। उस ऑब्जेक्ट को दैट के पहले फॉर से जोड़ देना, जोड़ दिया। अब दैट से कलम पकड़ो, नाट तक भैरव घाट लगाना, छुटका टू सेंटेंस पढ़ो, बन गया। द डे वॉज टू स्टार्मी फॉर अस टू गो आउट। कोई कठिन है क्या? मिटा दें, नोट कर लिया। देखो एड टू हो गया, एड एडवर्ब हो गया, वाक सिंपल बन गया, वाक अफर्मेटिव बन गया, तीनों काम हो गए। जैसे कहा बेटा, द मॉब, मॉब माने उग्र भीड़, द मॉब वाज सो ह्यूज दैट द पुलिस डिड नॉट कंट्रोल इट। द मॉब वाज सो ह्यूज दैट द पुलिस डिड नॉट कंट्रोल इट। बना दो बेटा, सबसे पहला काम सो को बढ़ के टू में। दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं क्या? नहीं है, तो ये वाला जो कर्ता है इसको बना लो ऑब्जेक्ट। द पुलिस का ऑब्जेक्ट क्या होगा? द पुलिस। उस ऑब्जेक्ट को दैट के पहले किससे बेटा? फार से, फार द पुलिस लगा दिया। अब दैट से कलम पकड़ो, नाट तक भैरव घाट लगा दो, छुटका टू सेंटेंस बड़ा बन गया बेटा। The mob was too huge for the police to control. एक चीज बताऊं, जब हम कक्षा में आपको पढ़ा रहे थे तो एक वाक्य यहां समझाते थे और दस वाक्य बोलते थे, याद होगा? एक पॉइंट पर दस दस वाक्य बोलते थे। आज हम बोल नहीं सकते हैं, बोल तो रहे हैं लेकिन आपको नहीं बोल सकते, क्योंकि आप यहां दिखाई नहीं दे रहे हो। तो हमारा यह धर्म बनता है कि वह जितना बताया है, उस जितना बोलते थे उतना बोर्ड पे लिख कर बताएं, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है बेटा, नहीं तो ये आ गया होगा समय। पक्का? एक और बेटा, जैसे कहा बेटा, द नवड़ा हेल वाज सो हाई दैट द विजिटर्स डिड नॉट क्लाइंब, डिड नॉट क्लाइंब, कुड नॉट क्लाइंब आ सकता बेटा, कुड नॉट लगा दो। द विजिटर्स कुड नॉट क्लाइंब
ये लिखा द हिल वॉज सो हाई दैट द विस्टर्स कुड नॉट क्लाइम, पहाड़ी इतनी ऊंची थी कि आगंतुक चढ़ नहीं सके। तो कैसे बना उड़ा, ए टू करना है। सबसे पहला काम सो को बढ़ के टू में। अब देखो दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं क्या? नहीं है। तो ये जो कर्ता है इसको बना लेना ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को दैट के पहले किससे जोड़ोगे? फार से, फार द विजिटर्स। अब द विजिटर्स दैट के पहले आ गया, क्लाइम क्लियर हो गई। दैट से कलम पकड़ो नाट तक भैरव घाट लगाना छुटका टू। सेंटेंस पढ़ो, बन गया उड़ा द हिल वॉज टू हाई फॉर द विजिटर्स टू क्लाइम। अर्थ क्या हुआ? पहाड़ी चढ़ने के लिए दर्शकों के लिए बहुत ज्यादा ऊंची थी, पहाड़ी दर्शकों के लिए चढ़ाई करने के लिए बहुत ज्यादा ऊंची थी, यानी कि इतनी ऊंची थी चढ़ नहीं सकते थे। मिटा दें, जैसे कहा उड़ा द लायनेस वॉज सो डेंजरस, द लायनेस वॉज सो डेंजरस दैट द हंटर कुड नॉट होल्ड हिज गन। शेरनी इतनी खतरनाक थी कि शिकारी अपनी बंदूक को संभाल न सका। बना दो परिणाम है तो ए टू करना है। सबसे पहला काम सो को बढ़ के टू में। अब चश्मा लगाओ, देखो दोनों वाक्यों के कर्ता एक हैं क्या? यहां शेरनी, यहां शिकारी है। तो ये जो कर्ता है इसको बना लेना ऑब्जेक्ट। द हंटर का ऑब्जेक्ट द हंटर ही होगा, उस ऑब्जेक्ट को दैट के पहले फार से जोड़ देना, फार द हंटर। अब हंटर जो है दैट के पहले आ गया, तो दैट से कलम पकड़ो नाट तक भैरव घाट लगा देना छुटका टू। सेंटेंस पढ़ो, बन गया बड़ा द लायनेस वॉज टू डेंजरस फॉर द हंटर टू होल्ड हिज गन। आ रहा है समय? नहीं, पक्का कॉन्फिडेंस? आ नहीं रहा है, आ गया होगा यार। कहे बेइज्जती कर तुम लोग, हमारी नाक कटाने बैठे हो क्या यार? बेइज्जती करना है, है? आना चाहिए ना। अच्छा बताओ बेटा, जो बता रहे हैं उसको आना चाहिए कि नहीं? ईमानदारी से बताओ। अगर नहीं आता है तो समझ लो बेटा पाठक में कमी है, तुम्हारे अंदर कमी नहीं। कैसे पढ़ा लंट हो गुरु जी, कैसे पढ़ा रहे हो कि नहीं समझा पा रहे हो? अरे यार, तो हमने पढ़ाए कुछ नहीं, हमने कहा सो को बढ़ के टू में, दोनों के कर्ता आपस में एक नहीं है, तो ये जो कर्ता है इसको बना लेना ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को दैट के पहले फर्श जोड़ देना, दैट से कलम पकड़ना नाट तक भैरव घाट लगा देना छटका टू। बस काम खत्म। इतना बता रहे तब हो नहीं आ रहा? आ रहा ना, गुड। एक और डब जैसे कहा उड़ा द प्रॉब्लम। अच्छा, इसको बता दिया क्या? इसे कहा उड़ा द नाइट वाज सो डार्क, the night was so dark that they did not travel। ये वाक्य है the night was so dark that they did not travel। बना दो। सबसे पहला काम इस सो को बढ़ के टू में। अब देखो दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक है क्या? नहीं है। तो यहां जो करता है इसको बना लेना ऑब्जेक्ट। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम। उस ऑब्जेक्ट को दैट के पहले फार से जोड़ देना, फार देम हो गया।
अब दे चला गया दैट के पहले, यानी दे आ गया ना, तो दैट से कलम पकड़ो नाट तक भैरव घाट लगा देना छटका टू सेंटेंस पड़ा बन गया बेटा। द नाइट वॉज टू डार फॉर देम टू ट्रेवल, पक्का बना लोगे? एट हो ये लास्ट बन जा रहे हैं, जैसे कहा बेटा द गेम, द गेम वाज सो डिफिकल्ट दैट द चिल्ड्रन, दैट द चिल्ड्रन कुड नॉट प्ले, कुड नॉट प्ले, बच्चे नहीं खेल, दिखाई दे रहा ना बेटा? द गेम वॉज सो डिफिकल्ट दैट द चिल्ड्रन कुड नॉट प्ले, खेल इतना कठिन था कि चिल्ड्रन लिखा है कि बच्चे खेल नहीं सके, परिणाम है तो रिमूव सॉरी एड टू करना है, एड एडवर्ब करना है, सिंपल बनाना है, अभी ये कॉम्प्लेक्स है, अफर्मेटिव बनाना है, नेगेटिव देखो तो कैसे बनाओ, देखो यार सबसे पहला काम सो को बढ़ के टू में, अब देखो दोनों वाक्यों के कर्ता एक हैं नहीं है, तो नहीं है तो जो ये करता है इसको बना लेना ऑब्जेक्ट, द चिल्ड्रन का ऑब्जेक्ट होगा द चिल्ड्रन, उस ऑब्जेक्ट को दैट के पहले किससे जोड़ोगे, फॉर से, फॉर द चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन दैट पहले आ गया तो दैट से कलम पकड़ो नाट तक भैरव घाट लगा देना छुटका टू सेंटेंस पढ़ो बन गया बेटा। द गेम वॉज टू डिफिकल्ट फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले, आ गया समय, तो आपको ये दो पॉइंट क्लियर हो गए ना, हम का हम तो गाना सिखा देंगे बेटा लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए जितना पढ़ो बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए, यानी कि जिंदगी भर के लिए पक्का होना चाहिए, हमारी बात सुन, तो आप जो है ये अगर अगर क्या समझ में आया ही होगा तो आप इसे अपने साथियों को प्रेरित करें कि पठकवा पढ़ा रहा है, ऐसे कहना पठकवा पढ़ा रहा है, पढ़ो कल्याण होगा, जीवन जो है सफल हो जाएगा। थैंक यू डर, ओके डर।